हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों मैं बता दूं यहाँ से कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन आया हुआ है। थल सेना ने अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है। 6 कैटेगरी में होगी भर्तियाँ, जाने पूरी प्रक्रिया। तो दोस्तों आप लोग हमारी इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, ताकि आप लोग को अच्छे से इस भर्ती के बारे में समझ में आ जाए, कैसे क्या करना है सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों आइए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले थल सेना की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अग्निवीर की भर्तियाँ 3 चरण में होगी, यानी कि पहला फिजिकल टेस्ट, जो कि दोस्तों बता दूँ आपको पहला फिजिकल टेस्ट होगा, दूसरा मेडिकल टेस्ट और तीसरा लिखित परीक्षा, जो कि आपके सामने यहाँ पे तीनों दिख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। और बता दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन दिया हुआ है। अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली, यानी कि थल सेना ने अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत थल सेना में अग्निवीर की 6 अलग अलग कैटेगरी में भर्ती की जाएगी। जुलाई के महीने से अलग अलग रिक्रूटमेंट ऑफिस भर्तियों के लिए रिक्रूटमेंट रैलियों की तारीख जारी करना शुरू कर देंगे। थल सेना के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन 6 अलग अलग कैटेगरी में अग्निवीर की भर्ती की जाएगी, वे हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट है आपका जनरल ड्यूटी, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा दोस्तों आपको दिख नहीं रहा हाइट है, यहाँ पे दोस्तों होगा दूसरा टेक्निकल हुआ, ठीक है। और मैं बताऊँ दोस्तों तीसरा जो यहाँ पे है टेक्निकल, मतलब ये भी कुछ टेक्निकल के ही बात आता है, टेक्निकल जिसमें दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो टेक्निकल आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है, इसमें आपका आता है एविएशन एम्यूनेशन एग्जामिनर, ठीक है। और दोस्तों आपका चौथा जो है कि क्लर्क, ठीक है, क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल। यहाँ पे दोस्तों पांचवा है आपका ट्रेड्समैन, जो कि 10वीं पास पे आता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ट्रेड्समैन, जो कि ये 8वीं पास पे होता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। और मैं बता दोस्तों कि थल सेना के नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी अग्निवीरों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद सभी को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इस एडमिट कार्ड को लेकर ही रिक्रूटमेंट रैलियाँ आयोजित की जाएंगी। अगर कोई अभ्यर्थी फर्जी एडमिट कार्ड लेकर रिक्रूटमेंट रैली में पहुँचेगा तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अग्निवीर के स्कूल की परीक्षा में कितने नंबर होने चाहिए वो भी नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तो दोस्तों आप लोग को अच्छे तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, इसके बाद ही आप लोग को वहाँ पर विजिट करना है। और मैं बता दोस्तों कि फिजिकल फिटनेस और फिटनेस टेस्ट की बात की जाए, तो दोस्तों सबसे पहले बता दूँ यहाँ पे तो थल सेना के नोटिफिकेशन में अग्निवीरों की फिजिकल फिटनेस और फिटनेस टेस्ट के लिए जरूरी मापदंड और मापदंड भी जारी कर दिए गए हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसा कि अभी तक सैनिकों की भर्ती के लिए आए हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन यानी कि पूर्व फौजी और वीरों नारियों के बच्चों को फिजिकल फिटनेस में थोड़ी छूट मिलेगी, यानी जिनके रिलेटेड पूर्व फौजी रहेंगे, ठीक है, तो दोस्तों उनके बच्चों को फिजिकल फिटनेस में थोड़ी छूट मिलेगी और वीर नारियों को भी फिजिकल फिटनेस में थोड़ी छूट मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और मैं बता दोस्तों की नोटिफिकेशन के मुताबिक अग्निवीरों की भर्ती 3 चरण में होगी, पहला फिजिकल टेस्ट, दूसरा मेडिकल टेस्ट, ठीक है, और तीसरा लिखित परीक्षा, जो कि दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिख रहे होंगे, ठीक है, ये आपका पहला है और यहाँ पे दूसरा मेडिकल टेस्ट देख सकते हो और यहाँ पे तीसरा लिखित परीक्षा, ठीक। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रकार नोटिफिकेशन आया हुआ है। और मैं बता दोस्तों नोटिफिकेशन के मुताबिक एनसीसी कैट्स को लिखित एग्जाम में अतिरिक्त नंबर मिलेंगे, ठीक है, यानी जिसके पास एनसीसी कैट्स होगा उसको लिखित, मतलब उसको एग्जाम के अतिरिक्त, ठीक है, जो एग्जाम दोगे लिखित एग्जाम दोगे उसके अतिरिक्त भी उनको नंबर मिलेंगे अगर उसके पास सर्टिफिकेट है तो एनसीसी का। और मैं बता दोस्तों इसके अलावा अगर किसी अभ्यर्थी के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो उसे भी अलग अलग, ठीक है, उसे भी अलग से बोनस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, लिखित परीक्षा में, ठीक। जो दोस्तों आप लिखित परीक्षा एग्जाम दोगे उसमें आप लोगों को स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो आपको उससे अलग नंबर मिलेंगे, ठीक है, उसके अलग नंबर आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं बात कर लूँ किसी अभ्यर्थी के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो उसे भी अलग से बोनस मार्क्स मिलेंगे, जो कि दोस्तों लिखित परीक्षा में। और मैं बता दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रकार इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दिख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे 30 छुट्टियां मिलने वाली है। और मैं बता दोस्तों इसके अलावा मेडिकल छुट्टी भी मिलेगी, लेकिन आप बता दें कि अभी तक एक रेगुलर सैनिकों को साल में 90 छुट्टियां मिलती हैं, जो दोस्तों इस टाइम जो कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 90 छुट्टियां मिल रहे हैं, ठीक है, यानी रेगुलर जो सैनिक हैं उनको 90 छुट्टियां मिलती हैं साल में, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों कुछ पास इन्फॉर्मेशन थी। और मैं बता दोस्तों आप बता दें कि भारतीय सेना के देशभर में कुल 13 जनरल रिक्रूटमेंट ऑफिस हैं, इनके अंतर्गत देश भर में कुल 75 आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस हैं। वही थल सेना के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीसी पोन्नापा ने बताया था कि अगस्त के महीने में पहली रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन किया जाएगा, उसके बाद सितंबर और अक्टूबर तक कुल 83 रिक्रूटमेंट रैलियां पूरे देश भर में की जाएंगी। ले जनरल पोन्नापा ने दावा किया था कि देश के आखिरी गाँव तक सेना भर्ती को लेकर जाएगी। नोटिफिकेशन में अग्निवीरों को मिलने वाली सुविधाओं सहित नियम और शर्तें भी हैं, जो सेना आर्मी पहले ही जारी कर चुकी है।
तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया था जो कि मैंने आपको बता दिया। और मैं तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहे आपको, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं बता दोस्तों अगर हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग इजीली में उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं ताकि दोस्तों आप लोग को अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों हमारी तरफ से जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।